जानकारी जहां पर पत्नी ने पति को हवालात पहुंचा दिया। दहेज की मांग कर रहा था पति, कार के लिए मांग कर रहा था 8 लाख रुपए। एयरफोर्स में काम करता है पति अभिषेक। पत्नी ने पति पर लगाया गंभीर आरोप, दूसरी शादी करना चाहता है अभिषेक। तो बुलंदशहर में पत्नी ने पति को दहेज का आरोप लगाकर हवालात पहुंचाया है, जहां पर लगातार 8 लाख रुपए कार के लिए पति द्वारा मांगी जा रही थी। एयरफोर्स में तैनात है पति और दूसरी शादी भी करना चाहता था पति अभिषेक, जिसके खिलाफ पत्नी द्वारा FIR दर्ज कर उसे हवालात पहुंचा दिया। सर, मैंने अपने पति को अरेस्ट कराया है। मेरी शादी दिसंबर 2017 में हुई थी, 3 दिसंबर को। शादी के 2-3 महीने बाद ही, पहले तो इन्होंने मेरी जिठानी के साथ किया, मेरी जिठानी को मारा पीटा। वो प्रेग्नेंट थी, घर में ही पुलिस आके उसे लेके गई, उसका मेडिकल कराया, जिसमें कि उसके बहुत चोटें आई। उसके बाद फिर इन्होंने मेरे साथ यही करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बिना डिवोर्स के मेरे जेठ की शादी कर दी। जेठ की शादी होने के बाद मेरे से डिमांड करने लगे, हमें 8 लाख रुपए चाहिए, वरना हमारे लड़के के तो और रिश्ते आ रहे हैं। मेरे को मारना पीटना, मेरी सास ने, मेरे जेठ ने, सब ने मेरे को रोज मतलब प्रताड़ित करना शुरू कर दिया कि हमें पैसे चाहिए, वरना चली जाए यहाँ से। जैसे हमने बड़ी को छोड़ दिया, इन्होंने एक लड़की देख ली सर, वो गवर्नमेंट टीचर है। अभिषेक उससे बातें करने लगा कि मेरी तो शादी उससे हो रही है, मुझे तू ना चाहिए, तेरी हाइट कम है, तेरा रंग ऐसा है, मुझे तू ना चाहिए। उसके बाद इन्होंने मेरे को 13 जुलाई 2019 में मुझे ट्रेन के नीचे लिटा दिया। ट्रेन कुछ देर तो मेरे ऊपर से चली, उसके बाद ट्रेन रुकी। फिर मैं जैसे मैंने देखा, मैंने पहले मेरे साइड में चोट आई, जिससे कि मेरे यहाँ पे नील पड़ा। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो ट्रेन निकल जाएगी, मैं बच जाऊँगी। फिर ट्रेन जब रुकी रही तो मैंने सोचा कि मैं साइड से निकल जाती हूँ, जहाँ टायर की जगह होती है। सर, मैं साइड से जैसे ही निकली, वहाँ लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने बोला कि पता नहीं क्या करने चली थी, दूसरी ज़िंदगी मिली है। उसके बाद सर मैं बची। उसके बाद फिर सर अभिषेक ने मेरे पैर पकड़ के सब लोगों के सामने माफ़ी मांग ली, दूसरी ज़िंदगी मिली है, भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। वहीं इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, बुलंदशहर से थाना इंचार्ज ने पेश की मिसाल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल का चालान क्या है। बड़ी जानकारी, इस वक्त की बिना मास्क ड्यूटी कर रहा था कांस्टेबल, जिसका चालान काटा गया। बुलंदशहर से ये बड़ी जानकारी, जहां पर थाना इंचार्ज ने पेश किया है मिसाल। बता दें, पुलिस कांस्टेबल का चालान काटा गया, बिना मास्क ड्यूटी पर तैनात था पुलिस कांस्टेबल, और बिना मास्क ड्यूटी कर रहा था ये कांस्टेबल, जिसका चालान काटा गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बुलंदशहर से, पुलिस कांस्टेबल का चालान क्या क्या। तो बुलंदशहर से बड़ी जानकारी, थाना इंचार्ज ने एक मिसाल पेश की है, जहां पर अपने ही सहयोगी पुलिस कांस्टेबल का चालान काटा गया, बिना मास्क के ड्यूटी कर रहा था ये कांस्टेबल, जिसका चालान काटा गया है। तो पुलिस कांस्टेबल का चालान क्या गया है, बिना मास्क का ड्यूटी कर रहा था ये कांस्टेबल, जिसका चालान काटा गया। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी, थाना इंचार्ज ने पेश की मिसाल, पुलिस कांस्टेबल का चालान क्या, बिना मास्क के ड्यूटी कर रहा था पुलिस कांस्टेबल, जिसका चालान क्या गया।